सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हालांकि जमाना अभी इलेक्ट्रिक कार्स के तरफ जाने लग चुका है। अभी जितने सारे बड़े बड़ी कंपनियां हैं, रेपुटेड कंपनियां हैं इंडिया में, वो अपनी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना या लॉन्च करना शुरू भी कर चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ी कंपनी इंडियन कंपनी टाटा ने भी शुरुआत कर चुकी है। टाटा टिगोर को कमर्शियल यूज के लिए भी लॉन्च हो चुका है। सिर्फ टाटा ही नहीं, सारी कंपनियां अपनी अपनी नए गाड़ियों को लॉन्च करने वाली है। तो चलिए जानते हैं टाटा के कुछ ऐसे 4 नए गाड़ियां हैं जो कि अगले 1 साल के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से वो 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे जो टाटा की तरफ से अगले 1 साल में लॉन्च हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें टाटा की, टाटा अपनी टिगोर की इलेक्ट्रिक व्हीकल को कमर्शियल यूज के लिए लॉन्च कर दिया है। 80 से 100 किलोमीटर रेंज दे रहा है, हालांकि ये क्लेम किया जा रहा है 160 रेंज के लिए। लेकिन जो सुनने को मिल रहा है, टाटा अपनी टिगोर की इलेक्ट्रिक व्हीकल को फिर से लॉन्च करेगा कुछ ही दिनों के अंदर। एक्सपेक्टेड है लेट 2020 में, हालांकि 1 साल अभी लग जाएंगे। तो इसमें होगा क्या, ये सिर्फ कमर्शियल के लिए नहीं रहेगा, ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हो जाएगा। आप कहीं पे भी हो आराम से खरीद सकते हैं। और इसकी रेंज भी बढ़ा दिया जाएगा, इसकी बैटरी बैकअप होगा 200 से 250 किलोमीटर एक फुल चार्ज में। इसमें आपको काफ़ी सारे अपडेट्स भी आ जाएंगे फीचर्स की भी, और बैटरी पैक पे भी काफ़ी सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे फास्ट चार्ज कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा रेंज मिल जाएगा और स्पीड भी काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। हालांकि टॉप स्पीड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 110 किलोमीटर पर आवर। तो ये लेट 2020 पे ही लॉन्च होने को सुनने को मिल रहा है। हालांकि इसकी प्राइस रेंज हम वहीं पे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 13 lakhs। नंबर 2 पे टाटा अपनी एल्ट्रोज की इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर रहा है। जी हाँ, एल्ट्रोज जो कि कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है, टाटा की प्रीमियम हैचबैक, उसकी इलेक्ट्रिक वर्सन जो कि हम देख चुके हैं ऑटो एक्सपो पे। जी हाँ, ऑटो एक्सपो पे हम इसे देख चुके हैं। इसकी एक्सटीरियर इंटीरियर हालांकि जो ऑटो एक्सपो पे दिखाई गया था काफ़ी सिमिलर रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। यहाँ पे भी सेम बैटरी पैक यूज़ किया जाएगा जो कि टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ किया जाएगा। ये भी वही 200 से 250 किलोमीटर के रेंज दे देगा एक फुल चार्ज में। टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की हो सकता है और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। और इसकी प्राइस रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 लाख से शुरू हो सकता है इसकी प्राइस रेंज। और अगर बात करें इसकी लॉन्च की, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही लेट 2020 और या 2021 के इनिशियली स्टेज में गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाए। अगर बात करें टाटा अपने नेक्सॉन की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने को जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ डिटेल्स अभी सामने नहीं आया है, हालांकि कार हो सकता है वही सेम बैटरी पैक के साथ आ जाए। सुनने को ये भी मिल रहा है जो बैटरी पैक के साथ आएगा उसकी रेंज काफी अच्छा रहेगा। डिटेल्स सामने उतना नहीं आया है, लेकिन सुनने को तो यही मिल रहा है टाटा अपनी नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर देगा। इसकी प्राइस भी हम वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 लाख के अंदर शुरू हो जाएगा। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड ऑफ 2021 तक। हालांकि टाटा अपनी और एक गाड़ी को लॉन्च करने की प्लानिंग भी कर रहा है। हो सकता है टाटा की ई विजन को लॉन्च कर दिया जाए जो कि सेडान हम देखे थे ऑटो एक्सपो पे, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन गाड़ी होगा, टाटा की काफ़ी प्रीमियम गाड़ी होगा जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो गाड़ी आ जाए, हो सकता है आ जाए टाटा की, कुछ अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। अगर शोकेस किया गया था तो हो सकता है आ जाए, या और एक गाड़ी को भी शोकेस किया गया था पिछले साल जो कि है टाटा के रेस्मो, जो कि एक इंडियन सुपरकार होगा जो कि फुल्ली आप इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा जो कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो
तो ये भी हो सकता है, और इसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021 में ही, या मिड में या एंड 2021 में ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ है टाटा की तरफ से प्लानिंग तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऊपर। आपको कैसा लगा ये जानकर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना शुरू हो चुका है, सभी कंपनियाँ रेवोल्यूशन में शामिल हो चुके हैं, आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रहेगा, तो ये तो तय है। और हाँ, ऑटोमोबाइल की सारे अपडेट्स और न्यूज़ के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, और जल्दी से ही फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक से नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।